डर तो नहीं लग रहा? ना लग रहा, अच्छा लग रहा है। पकड़ना है, पकड़ना। अगर आप असली पल को आग से जलाते हो तो वो और ज़्यादा शाइन करने लगता है, और अगर आप पत्थर को या प्लास्टिक को जलाते हो तो वो काला पड़ जाता है। तो ये असली पल की पहचान है। ये देखो दोस्तों, पहाड़ों के बीच में गुफा बनी हुई है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत गुफा है अंदर से देखने में। ओह Want something else? Mm-hmm. तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम 2 जनवरी 2023 को यहाँ पर हैं, और अभी हम जा रहे हैं हालोंग बे। वियतनाम जिस चीज़ के लिए फेमस है वहीं हम जा रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। ये है इंटरनेशनल क्रूज़, जहां से हम पानी के जहाज़ में बैठकर आगे का सफ़र तय करेंगे। ये देखिए, ये यहां का इनका रिसेप्शन है, यहां से टिकट बुक होती है। इस टिकट का प्राइस मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। डर तो नहीं लग रहा? रास्ते पड़ा था। कितना बड़ी लग रहा है। They will get more shine. Yeah, if we are burning this, they will have more shine. Asli moti asa moti. And when you crossing with together, they have some little powder and they make some massage. The face. अगर आपको असली पल की पहचान करनी है तो ये है। अगर आप असली पल को आग से जलाते हो
तो वो और ज़्यादा शाइन करने लगता है, और अगर आप पत्थर को या प्लास्टिक को जलाते हो तो वो काला पड़ जाता है। तो ये असली पर्ल की पहचान है, तो ये असली पर्ल की पहचान है, ये होता है असली मोती जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ का ये ओरिजिनल पर्ल आपको दिखाया जा रहा है। इसको जब आप एक दूसरे पर घिसोगे तो एक पाउडर निकलता है इससे, जिसको आप चेहरे पर मसाज की तरह यूज़ कर सकते हैं। असली मोती को अगर आप गर्म करोगे तो वो और ज़्यादा शाइन करता है, और जबकि आप प्लास्टिक या पत्थर के किसी मोती को गर्म करोगे तो वो काला पड़ जाएगा। GoPro से बहुत कुछ होता है, और की क्वालिटी मिलती है। राम से कुत्ता, डॉग 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 डॉग, हाय डॉगी। ओ व्हाट अ डॉग। ये देखो दोस्तों, पहाड़ों के बीच में गुफा बनी हुई है। He's showing it like a bird. He's here. He just showing the light. ये बनी नेचुरल अपने आप, अपना बनी पानी किसे बनाई नहीं है। He just showing this place. Let's go. There's no light. No, he just showing the light. What place? This place. This is like a bird. You can relight this. They have some mouse. Yeah. ये देखो दोस्तों, पहाड़ों के बीच में कितनी बढ़िया एक गुफा बनी हुई है। यहाँ देखो, सारी गुफा बारिश के पानी से बनी हुई है, ऊपर से पानी रिस रिस कर है इसको, उसने ऐसा शेप बना दिया इस गुफा का। सीढ़ी नहीं होती तो आया थी बंद करी है। What is this? They say this is the tree. Oh. That had only one fruit. They say like this shape. Like, yeah. Only one fruit. This kind of pillars. These are pillars.
पिलर पिलर पानी से टपक टपक के मिट्टी पानी टपकता है ना तो मिट्टी रुकती जाती है पानी टपक जाता है वही है वही चीज This I think is the board and take some couple. Yeah, the board cup take the couple. Oh. Like the board serving Sita. Yeah. Oh. Jatayu, Jatayu. Jatayu. Naturally formed. यहाँ पर ये नेचर के ज़रिए बनी हुई गुफा है। यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई पक्षी है, कोई आदमी है जिसे चील ने पकड़ा हुआ है, और कहीं आपको पेड़ मिलेगा। बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। आर्टिफिशियल इतना आर्टिफिशियल ना इतना तो नहीं तो बना ही होगी ना अच्छा लोई रहा क्या हो गया? बैठना मैं को थोड़ी थका हूँ, तुम थके हो? लेने कुछ ये देखिए दोस्तों, ये छोटी सी मार्केट है, इनकी शॉप लगी है। जगह जगह पर छोटी छोटी शॉप लगी हुई है इनकी। यहाँ बहुत कुछ है खरीदने के लिए। यहाँ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, अरे उधर जाओ, बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, जाओ। यहाँ पे जो जो चीज़ें यूज़ इस्तेमाल में होती हैं, डेली यूज़ में आती हैं, या लोग जो यूज़ करते हैं ब्यूटी पर्पज़ के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो हम भी कुछ परचेज़ कर लेते हैं यहाँ से अपने लिए। What is this? Oh. Can. Yeah. What is this? What is this? Say, I'll take your next piece. Bug. Lion. Say hi.
कॉर्ड झरने कॉर्ड नहीं कर दी में नहीं गोसो सुषमा कटाना तुमने गोसो सुषमा कटाना भाई अभी काम कर दो प्लास्टिक की है कटाना किड्स के लिए रिमूव दिस टिपिंग आउट Oh, that's a real sword. Katana. Gozo Tsushima. Jin. Anjali, I'm going to go to the court. 300. You want it? Do you want it? This is brown. This is how much? Same price. And the biggest one is also same price? Yeah. Buy the biggest one. So which one do you want? Biggest one. Biggest black. You want this? Yeah. This is full black. Yeah, I like this black. Like award. Award trophy. Oscar. तो गांधी जी तीन बंदर एक और बंदर आ गया इसमें नहीं तीन ही बंदे कान बंदे एक मुंह बंदे एक हाथ बंदे चार लोग हैं दोस्तों इस गुफा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं यहाँ तक हम जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं हमको भी थकान होती जा रही है आराम से चलो चलो तुम चलो नो दोस्तों इस गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि ये गुफा जो है नेचर ने बनाई है और ऊपर से पानी टपकता रहता था जिस वजह से ये इसकी इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं कहीं आपको पक्षी देखने को मिलेगा कहीं आपको आदमी देखने को मिलेगा कहीं आपको पेड़ में देखने को मिलेगा इसमें ऐसी तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं इस तरह की तो ये नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है इस गुफा के अंदर जो कि मैं कैमरे से शायद शूट करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इसका फुटेज आपको लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत गुफा है अंदर से देखने में ये भी उसी तरह की गुफा बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत है अंदर से लेकिन इस गुफा में इतनी पब्लिक नहीं है क्योंकि ये अंदर इतनी डार्क है अंधेरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इतना घूमने फिरने की भी जगह नहीं है तो यहाँ ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है अंदर की तरफ तो इसलिए यहाँ का शायद फुटेज मैं आपको पूरा ना दिखा पाऊँ
यहाँ के नज़ारे देखो दोस्तों, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। छोटे छोटे पहाड़ हैं, दूर दूर तक केवल समुद्री समुद्र दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये एक एशियन कंट्री है और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है और यहाँ इस कंट्री में मोस्टली सी फूड्स लोग खाते हैं, तो वेज फूड इसीलिए यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता ज़्यादा। तो दोस्तों हालोंग बे में घूमकर हमें बहुत मज़ा आया, हमने दोनों गुफाएं एक्सप्लोर की और अंदर के गुफा के अंदर का जो व्यू है वो कैमरे की फुटेज उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन सच में कुदरत ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है। और अब हम वापस जा रहे हैं। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।